नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने ही चैनल स्टॉक पर। दोस्तों आपको तो पता ही है, जैसा कि 8 जुलाई को संडे वाले दिन परसों आपका पेपर हो चुका है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपका पेपर मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा ही गया होगा। अगर कोई भी छात्र छात्राएं जो भी DI के क्वेश्चन के लिए आंसर की देखना चाह रहे हैं और उसका सोल्यूशन देखना चाह रहे हैं कि कैसा हमारे DI के क्वेश्चन आए थे, उसे कैसे सॉल्व करना था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि DI के लिए टाइम थोड़ा सा कम पड़ गया होगा सभी को, तो मैं आपको उन्हीं के सभी आंसर बताने जा रहा हूं, वो भी सॉल्यूशन के साथ कि कैसे करना था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये जैसा कि आप ये DI देख सकते हैं, इसमें आपको जो क्वेश्चन दिए थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 31 यानी कि पहला क्वेश्चन ये था, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में चावल के उपभोग में सर्वाधिक प्रतिशत की वृद्धि हुई। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपने अगर गौर किया तो जो भी आपके आंसर निकलने थे ये वाले फॉर्मूले के बेस पर निकलने थे कि प्रति व्यक्ति उपभोग बराबर उपभोग मिलियन किलोग्राम में डिवाइडेड बाय जनसंख्या मिलियन में। अगर आपने क्वेश्चन किए होंगे तो मैं इसके आंसर पूरे इसी फॉर्मूले के बेस पे होने हैं, मैं आपको आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में चावल के उपभोग में सर्वाधिक प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो दोस्तों इसको आपको सॉल्व कैसे करना था, देखिए 2013, 2014, 2015, 2016 ये आपको ऑप्शन दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसको आपको सॉल्व कैसे करना, चावल के उपभोग में वृद्धि हुई, तो जैसे अगर मैं 2015 और 16 की बात करूं, तो 15 और 16 में आपको क्या दिख रहा है, 40.5 और 42, ये आप देख सकते हैं 40.5 और 42, तो यानी कि 40.5 और 42 यानी कि 1.5 बढ़ा है, किस पर, 40.5 पर। तो ऐसे आपको ईयर में लेना थी परसेंटेज इंटू 100, इसमें आपको परसेंटेज लेनी थी कि किस में आपका अधिक बढ़ा है। तो दोस्तों जब आप इसे ऐसे सॉल्व करोगे, तो जब आप 2014 वाला देखते हो जिसमें आपका 35.2 से 38.7 हुआ है, तो यानी 3.5 की आपकी वृद्धि हुई है अपॉन 35.2, तो जब आप इसे लेते हो तो आपका यही 2014 आपका राइट आंसर इसमें निकलेगा क्वेश्चन नंबर 31 का, यानी कि पहले का। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2014, यानी कि सर्वाधिक जो प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वो 2014 में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में देश की जनसंख्या मिलियन में कितनी थी। दोस्तों ये जनसंख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये ऊपर आपको जो फॉर्मूला दिया है कि प्रति व्यक्ति उपभोग बराबर उपभोग मिलियन किलोग्राम में अपॉन जनसंख्या मिलियन में, तो आपको जनसंख्या मिलियन में निकालनी है, प्रति व्यक्ति उपभोग आपको 2014 का दिया है। तो आप इसको कैसे करोगे, इसमें आपको जनसंख्या मिलियन में निकालनी है, उपभोग मिलियन किलोग्राम में दिया है और प्रति व्यक्ति चीज भी दी है, तो आप इसमें उपभोग कैसे निकालोगे। दोस्तों जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि आपका जो इसमें उत्पादन दिया है वो दिया है आपका 238, 2014 की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा 238, और जो निर्यात है वो दिया है 130, तो इसमें उपभोग कितना हो गया 108, तो 108, तो आपको क्या करना था, सिंपल आपको 108 डिवाइडेड बाय जितना प्रति व्यक्ति उपभोग है 38.7, तो आपका 2.79 आएगा दोस्तों। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका 2.79 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन अगला है आपका, किस वर्ष की अवधि में निर्यात और उपभोग का अनुपात सर्वाधिक था। तो दोस्तों इसमें जब आप ये निकालोगे कि किसमें सबसे ज़्यादा अधिक अनुपात था, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें सिंपली आपको डिवाइड करना था, जैसे कि 2012 दिए, तो 2012 में क्या है, 114 है आपका निर्यात और उपभोग कितना है 36.25, तो ये तो सिंपल था 114 अपॉन 36.25, ऐसे आपको लेना चाहिए था। तो ये सबको आप डिवाइड ऐसे करते, जैसे कि इसमें अब जब आपका राइट आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2-3 आएगा, यानी कि 2014, इसका जो राइट आंसर है वो 2014 आएगा। जब आप 2014 में लोगे तो 130 अपॉन 38.7, तो ये सबसे ज़्यादा आपका आएगा, तो इसका राइट आंसर आपका 2014 है। पहले का मैंने बताया 2014, दूसरे का है आपका 2.79, तीसरे का 2014। अगला क्वेश्चन है, देश की जनसंख्या किस वर्ष में सर्वाधिक थी। दोस्तों जनसंख्या जिस वर्ष में सर्वाधिक थी ये अगर आप निकालेंगे, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है 2016 आएगा। इसे कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि 2016 में 215, इसमें बोला है देश की जनसंख्या किस वर्ष में सर्वाधिक थी, तो यही वाले फॉर्मूले के बेस पे आप ये भी सॉल्व करोगे, उपभोग मिलियन किलोग्राम में अपॉन जनसंख्या मिलियन में, तो जनसंख्या आपको निकालनी है। तो इसमें डिफरेंस आप देखो, 2016 में 215 माइनस 88, तो
तो ये आपका आएगा 127, तो 127 बाय आपका 42, तो ये आपका 3.02 आएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका आएगा 2016 आएगा। मैं पूरा आपको तरीका बता रहा हूँ कि इसे सॉल्व कैसे करना था, और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आपका इसमें थोड़ा सा समय तो देखो, ये टाइम कंज्यूमिंग तो है ही DI, तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत बच्चों का शायद गलत भी हुए होंगे आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2012 से 16 की अवधि में चावल का औसत उपभोग कितना था, यानी कि एवरेज क्या था। अब दोस्तों इसमें आपको क्या करना था, इसमें सिंपली आपको जो इनके डिफरेंस थे, जैसे कि 2012 में 186.5 इसका डिफरेंस लेते, 202 से 114 का डिफरेंस लेते, फिर 238 से 130 का डिफरेंस लेते, फिर 221 से 116 का डिफरेंस लेते, और इन सब डिफरेंस को प्लस करने के बाद अपॉन आप 5 कर देते तो आपका एवरेज आ जाता। और इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आपका आएगा 100.1, यानी कि ऑप्शन नंबर चार 100.1 इसका राइट आंसर आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने आंसर मैच हो गए होंगे। अगर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही थे और कितने गलत, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी मैं आगे आंसर की डालूंगा, फिलहाल मैं DI की डाली है मैंने, और आगे मैं और भी डालूंगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।